रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। लोअर कोर्ट 4 दिन के अंदर जमानत की उनकी अपील पर फैसला करेगा। इसके मायने ये है कि फिलहाल अर्णव गोस्वामी जेल में ही रहेंगे। हाई कोर्ट ने जमानत के लिए अर्णव को निचली अदालत जाने को कहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के पहले अर्णव ने सोमवार दोपहर जमानत के लिए सेशन कोर्ट का रुख किया है। एक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां को खुदकुशी के लिए कथित रूप से उकसाए जाने के मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव को हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था। अर्णव ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया था। गिरफ्तारी के बाद अर्णव को रायगढ़ जिले के अलीबाग जेल के लिए कोविड-19 केंद्र में न्यायिक हिरासत में रखा गया था, लेकिन यहाँ पर उनका मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें तलोजा जेल भेज दिया गया। रायगढ़ क्राइम ब्रांच ने अर्णव को किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए और सोशल मीडिया एक्टिव पाया गया। जबकि 4 नवंबर को पुलिस ने जब अर्णव को हिरासत में लिया था तो उनका निजी मोबाइल जब्त कर लिया गया था। अर्णव ने जेल ले जाए जाने के वक्त पर चिल्लाकर बोला कि जेलर ने उनकी पिटाई की है। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया और यह भी कहा कि उन्हें उनके वकील से बात नहीं करने दी जा रही है। बता दें कि अर्णव गोस्वामी, फिरोज शेख तथा नीतीश शारदा को अलीबाग पुलिस ने 4 नवंबर को आर्किटेक्ट एवं इंटीरियर डिजाइनर अन्वयक नाइक और उनकी मां की 2018 में आत्महत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। अन्वय का आरोप था कि अर्णव और अन्य आरोपियों की कंपनियों से बकाया नहीं मिलने के कारण उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें से 3 नाम में से एक नाम अर्णव गोस्वामी का भी था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।